हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? तो दोस्तों, यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग रिव्यू करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट का दोस्तों। तो हमारे यहाँ पे एक दिक्कत होती है दोस्तों कि जब भी हमारा जो है बाथरूम होता है उसका फ्लोर जो है बहुत ही ख़राब हो जाता है, उसकी साइड दीवारें भी ख़राब हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, हम जो शैम्पू यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, वो जो है उसके कारण ये सब चीज़ें होती रहती है। तो बाथरूम को क्लीन करने के लिए जो है डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स मार्केट में अवेलेबल है। तो रिसेंटली जो है मैंने इस तरीके का फ्लोर क्लीनर आता है, उसको हैंडल स्क्रबर भी बोलते हैं दोस्तों, तो ये मैंने डी मार्ट से जो है परचेस किया है। वहाँ पे एक दो कंपनी के और भी मिल रहे थे, बट उसकी कीमत जो है 150 रुपीज़ के आसपास थी, जबकि ये वाला जो है इसकी MRP तो 109 रुपये है, बट मुझे 84 रुपीज़ में पड़ा है। वैसे ये भी मुझे लगता है कि काफ़ी महंगा है, 50-60 रुपये की इसकी कीमत होनी चाहिए, बट जो भी है, क्योंकि यार ये जो स्क्रब स्क्रब का जो ये आता है ये अलग से भी मिलता है, बट उसमें हैंडल नहीं रहता है तो साफ़ करने में जो है इतनी मज़ा नहीं आता है। तो इसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि मैंने इसके पहले भी जो है एक लिया था, कौन सी कंपनी का था मुझे याद नहीं है, बट वो भी ठीक ठाक ही जो है काम किया था उसने, बट यहाँ पे एक 410 करके कंपनी है, और ये जो है कहाँ से है, एवन सुपर मार्केट मुंबई बेस्ड कंपनी है दोस्तों। यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रीन ग्राइंड व्हील ग्रीन वेल नॉर्टन लिमिटेड करके कंपनी है, इन्होंने जो है ये बनाया है, ठीक है ना, हैंडल स्क्रबर। तो इसको चलिए खोल लेते हैं। तो ये आपको डीमार्ट में भी मिल जाएगा दोस्तों, लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा, और ऑनलाइन भी जो है मिल जाएगा, आप कहीं से भी इसको खरीद सकते हैं। तो इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी तो मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ, अभी वीडियो के सेकंड पार्ट में जो है इसको हम मतलब मेरा जो बाथरूम है काफ़ी ख़राब हो चुका है, इसको क्लीन करने के लिए ही जो है मैं इसको परचेस किया था। तो हम जो है हमारा बाथरूम क्लीन करके भी देखेंगे कि भाई इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। तो बेसिकली ये जो स्क्रबर होना चाहिए ना, थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, जो हम क्या बोलते हैं कि बर्तन साफ़ करने का जो स्क्रबर आता है वो स्क्रबर से मतलब वही टाइप का मटेरियल है, बट जो बर्तन साफ़ करने का जो स्क्रबर आता है दोस्तों, वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, और हमारा जो बाथरूम होता है उसमें क्लीनिंग करने के लिए वो सॉफ्ट इतना असरकारक नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरीके का मटेरियल है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पंजी तो है ही है और रफ भी है, तो इसको इससे जो है साफ़ करके हम देखते हैं कि भाई ये कितना इफ़ेक्टिव है, कितना क्लीन करता है दोस्तों। यहाँ पे जो है सिंपल सा एक रिव्यू वीडियो था, तो इसके पार्ट टू में हम बाथरूम क्लीन करके भी देख लेते हैं, यही वीडियो के अंदर पार्ट टू है, तो जाइएगा नहीं दोस्तों।